और दोस्तों क्या हालचाल है। दोस्तों वीवो ने अपनी सीरीज टी का T1 लॉन्च कर दिया है, जो कि एक बजट फोन के साथ साथ परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन है। और हाँ, ये अंडर 20,000 की रेंज में आता है। इस फोन में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो आपको 20,000 के नीचे वाले फोन में देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स। खैर बातें तो होती रहेंगी, सबसे पहले से अनबॉक्स करते हैं। ये हमने रैप फाड़ लिया, चलो इसको जल्दी से ऊपर उठाते हैं। लिखा है वीवो और इसके अंदर है एक केस और कुछ लव लेटर्स। हाँ, केस की क्वालिटी अच्छी है। नीचे है वीवो का T1 5G। पन्नी में तो ये शानदार लग रहा है, बाहर निकाल कर देखते हैं कितना का लगेगा। रुको और देखते हैं। नीचे है टाइप सी केबल और इसमें आपको मिल जाता है 18 वोल्ट का चार्जर और एक है सिम इजेक्टर टूल। चलो अब इसकी पन्नी को उतारा जाए। एक चीज तो रहेगी। वाह, चलो जब तक ये ऑन होता है तब तक इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो गाइस राइट साइड में है पावर की विद फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर। लेफ्ट साइड कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ 3.5mm जैक, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। ऊपर की तरफ है सिम इजेक्टर ट्रे, नॉइस कैंसिलेशन माइक और पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया हुआ है। और कैमरा के बम्प के ऊपर लिखा हुआ है 5G। गाइस इसकी बैक पॉलीकार्बोनेट से बनी है पर ये दिखने में ग्लास लग रही है। इसे गौर से देखने से चमचमाते तारे दिख रहे हैं। इसकी खास बात तो ये है कि इस पर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे और डिफरेंट एंगल से देखने से ये लगता है कि जैसे कोई रैम्बो हो। और हाँ गाइस, कैमरा बम्प के अराउंड क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। देखने में तो ये काफी अच्छी लग रही है। बाकी हाथ में होल्ड करने पर इसकी वो कहते हैं ना इन हैंड फीलिंग अच्छी आ रही है और ड्यूरेबल भी लग रहा है। फ्रंट की तरफ पांडा ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, गोरिल्ला नहीं है। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पर। इसमें दिया गया है 6.58 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले। AMOLED होता तो अच्छा होता। इसमें आपको मिलती है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश की लार्ज स्क्रीन, जिससे आपको स्मूथ विजुअल्स नजर आएंगे और हर एक फ्रेम में आपको रिच एंड वाइब्रेंट कलर देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ है ट्रेडिशनल ड्रॉप डाउन नॉच। पंच होल का जमाना है वीवो, अगर वो दे देते तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। 120 हर्ट्ज पर वीडियो देखने पर भी काफी स्मूथ लग रही है। साइड एंगल व्यू ओके हैं। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूं तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि 4K वीडियोस भी आप आराम से देख सकते हो। लेकिन अगर AMOLED होता तो और ज्यादा अच्छा हो सकता था। बाकी 120 हर्ट्ज की स्क्रीन, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट। लगता है वीवो इस बार गेमर्स को टारगेट कर रहा है। चलो गेम टेस्ट करते हैं। तो मैंने एक दो गेम डाउनलोड कर रखे हैं। सबसे पहले हम BGMI खेलते हैं। 2000 years later. वाकई वीवो ने इस बार गेमर्स को टारगेट किया है। मुझे खेलने में तो काफी मजा आ रहा है। अरे भाई रुक जा। ले गया। कैसा लगा मेरा गेम प्ले? चलो हिल क्लिम 2 खेलते हैं। भाई ये गेम मैं 2017 से खेलता आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसे इंस्टॉल किया। बहुत मजा आ रहा है। तो आप मुझे बताइए आपको गेम प्ले देखकर कैसा लगा। 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, मजा तो आएगा। और गाइस 6 नैनोमीटर प्रोसेसर में तो गेमिंग और भी ज्यादा अच्छी हो जाती है और वही चीज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। और इसमें है अल्ट्रा गेमिंग मोड जो आपको देता है सेंसरी गेमिंग एक्सपीरियंस, यानी कि यह इंस्टेंटली स्विच कर लेता है बिटवीन पावर सेविंग, बैलेंस एंड परफॉर्मेंस मोड्स के बीच। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर है और वो भी स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर। जो मेरे पास वेरिएंट है उसमें है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। ये आपको 4GB और 6GB में भी मिल जाएगा। रैम टाइप की बात करें तो इसमें है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप है UFS 2.2। गाइस स्नैपड्रैगन 695 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर होने की वजह से। इसमें आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी और आपकी बैटरी कंजप्शन भी कम होगी। बैटरी की बात चल रही है तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी विद 18 वोल्ट फास्ट चार्जर। गाइस आजकल फास्ट चार्जर बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इसमें 30 वोल्ट प्लस का चार्जर होता तो और भी ज्यादा अच्छा होता। बाकी 5000mAh इनफ है, आपका सारा दिन बढ़िया जाएगा क्योंकि इसमें 6 नैनोमीटर प्रोसेसर है, आपकी बैटरी कंजप्शन तो होने नहीं देगा। 7.5 घंटे आप BGMI खेल सकते हो, पर इतना खेलना मत। नहीं, 102 घंटे म्यूजिक प्लेबैक टाइम है, 19 घंटे का यूट्यूब स्ट्रीमिंग टाइम, आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हो। तो अभी टैग आइकन को सब्सक्राइब करो, नीचे लाल वाला बटन दिया हुआ से ठोक दो। और गाइस अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें है फन टच OS 12 जो की एंड्रॉइड 12 बेस्ड है, जो की 20,000 से कम प्राइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें आपको प्री इंस्टॉल एप्स मिलेंगी जिसे आप आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेटेस्ट OS देता है नीट एंड क्लीन डिजाइन, सिंपल टच कंट्रोल जिसमें है आई फ्रेंडली नेचुरल लेआउट, जिसे चलाने न्यू एंड रिफ्रेशिंग OS एक्सपीरियंस मिलता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 2 5G बैंड है। हाँ वीवो ने इसमें कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन वीवो भी समझदार है और मुझे भी लगता है कि 5G अभी ना भी आए तो भी सब 4G पर ही जलाएंगे, क्योंकि मुझे तो कहीं मिला नहीं आज तक 5G। कहाँ है? बाकी और बैंड होते तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन ये भी आपको 4G से 10 गुना ज्यादा स्पीड देगा अगर आपको कहीं पहाड़ों पे 5G नेटवर्क मिलता है तो। दोस्तों अब बात करते हैं इसके कैमरे की। इसमें आपको दिया गया है ट्रिपल AI कैमरा, जिसमें है 50MP मेन कैमरा, 2MP बुके कैमरा एंड 2MP मैक्रो कैमरा। काश वीवो इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दे देता, क्योंकि वो इसमें देखने को नहीं मिलता। दोस्तों इसमें आपको ऑल न्यू पावरफुल सेंसर मिलते हैं जो कि ज्यादा डिटेल्स को कैप्चर करते हैं, चाहे दिन हो या रात, जिससे आपको मिलती है शार्प इमेज।
मैं आपको कुछ सैंपल्स स्क्रीन पर दिखाता जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख ही रहे हो। इसमें पोर्ट्रेट बुके एल्गोरिथम भी है, जिससे आपको रिचर कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पर फोटोज भी मिलेंगे। AI फेस ब्यूटी देखने को भी मिल जाता है, जिसमें आपको काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और यही नहीं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, नाइट मोड ऑफ और नाइट मोड ऑन में आप डिफरेंस देख सकते हो कितना डिफरेंस है। और इसका मैक्रो कैमरा 4 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर सकता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा विद AI ब्यूटी एल्गोरिथम, जो कि नाइट में भी काफी अच्छी सेल्फीज ले लेता है। ओवरऑल कैमरास की बात कर ली जाए तो दोनों कैमरास में सुपर नाइट मोड देखने को मिल जाएगा, ऑप्टिमाइज्ड विद नॉइज रिडक्शन एल्गोरिथम, जिससे काफी एक्सप्रेसिव इमेज देखने को मिल जाती है। नाइट मोड में अगर वीडियो को रिकॉर्ड करें तो आपको थोड़ी सी ना ग्रेन्स दिखते हैं, लेकिन कलर्स को ये कैप्चर कर रहा है। सेल्फी भी काफी अच्छी आ रही है, कलर्स भी ठीक दिख रहे हैं, फोटो वीडियो खींचने में भी ये एकदम मस्त है। लेकिन व्यूअर ने इसे गेमर्स को स्पेशल टारगेट करने के लिए बनाया है।